हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वुंड एंड इंजरीज के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कि व्हाट इज वुंड, व्हाट इज इंजरी एंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हम इंजरीज एंड वुंड्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, वुंड या इंजरीज के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि व्हाट इज फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है? तो गाइस, फॉरेंसिक मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज लीगल मेडिसिन या फिर स्टेट मेडिसिन। तो गाइस, जो फॉरेंसिक मेडिसिन वर्ड है उसको हम लीगल मेडिसिन या फिर स्टेट मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? अब जान लेते हैं कि ये होता क्या है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस टू लीगल पर्पजेस एंड लीगल प्रोसीडिंग्स सो एज टू एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है? जब गाइस फॉरेंसिक मेडिसिन है, जब हम मेडिकल साइंस की नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं टू लीगल पर्पजेस, ठीक है, लीगल पर्पजेस के लिए या फिर लीगल प्रोसीडिंग के लिए, ताकि हम किसी पर्सन को जस्टिस दिला सके, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन बोलते हैं, ठीक है? जब हम मेडिकल साइंस की नॉलेज एंड उसके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं किसी पर्सन को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, तब हम उसको बोलेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन, ठीक है? तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इंजरीज क्या होती हैं, वुंड्स क्या होते हैं, ठीक है? कब हम तो इंजरी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजरी की, ठीक है? इंजरी क्या होता है? एनी हार्म और हर्ट यूजुअली अप्लाइड टू डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन द बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? कोई भी हार्म या फिर हर्ट, ठीक है, यूजुअली अप्लाइड टू डैमेज, जो कि यूजुअली अप्लाई किया जाता है डैमेज कॉज करने के लिए किसी पर्सन की बॉडी पर बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जब हम किसी पर्सन की बॉडी को डैमेज कॉज करते हैं, तो उस हार्म को या फिर उस हर्ट को जो कॉज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंजरी कहते हैं। और लीगली जो वर्ड इंजरी है गाइस, वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 44 के अंडर क्या है, डिफाइंड है, ठीक है? लीगली अगर हम इंजरी की बात करते हैं तो ये हमारे आईपीसी के सेक्शन 44 के अंडर डिफाइंड है, ठीक है? आईपीसी मीन्स इंडियन पीनल कोड, ठीक है? तो जो वर्ड इंजरी है वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 44 के अंदर लीगली इंजरी को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इंजरी क्या होता है, एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज्ड टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी। कोई भी हार्म जो कि इलीगली क्या किया जाता है, कॉज किया जाता है किसी पर्सन की बॉडी में, माइंड में, उसके रेप्यूटेशन में या फिर प्रॉपर्टी में, तब ऐसे हार्म को हम क्या बोलेंगे, इंजरी बोलेंगे। अगर हम सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग इंजरी की बात करें, तो ये क्या होता है, कोई भी हार्म जो कि इलीगली क्या किया जाता है, कॉज किया जाता है, और कहाँ पे कॉज किया जाता है, किसी पर्सन की बॉडी में, माइंड में, उसकी रेपुटेशन में या फिर प्रॉपर्टी में, ठीक है? जब किसी पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी में कोई हार्म होता है और वो इलीगली कॉज्ड किया जाता है, तब हम उसे बोलते हैं इंजरी, ठीक है गाइस? अब हम बात कर लेते हैं वुंड की, ठीक है? जब हम गाइस क्लिनिकली बात करते हैं, तो वुंड क्या होता है, एनी इंजरी वेयर देयर इज अ ब्रेक इन द नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज रेफर टू एज वुंड। कोई भी इंजरी, ऐसी इंजरी जिसमें हमारी जो स्किन होती है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी नेचुरल कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तब उस इंजरी को हम क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे, अगर हम बात क्लिनिकल आस्पेक्ट्स में कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब हम क्लिनिकल आस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, कोई भी इंजरी
जहाँ पर हमारी जो नॉर्मल कॉन्टिन्यूटिव है किसी भी स्किन की या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम मेडिको लीगल कंटेस्ट में बात करते हैं वुंड की, तब क्या होता है, देन द वर्ड वुंड एंड इंजरी बोथ आर क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। जब हम मेडिको लीगल कंटेस्ट में बात करते हैं तो जो वर्ड वुंड है और इंजरी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। जब हम टेक्निकली बात करते हैं वुंड की, जब हम टेक्निकली बात करते हैं वुंड की, तो वो क्या होता है, रेफर्स टू एनी लेसन एक्सटर्नल और इंटरनल कॉज्ड बाई वायलेंस वेदर और नॉट देयर हैज बीन अ डिस्ट्रप्शन ऑफ स्किन्स नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। जब हम टेक्निकली वुंड की बात करते हैं तो क्या होता है, कोई भी लेसन चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, और किस तरह से कॉज किया हो, कॉज्ड बाय बैलेंस के द्वारा कॉज हुआ हो, ठीक है। अब वहां पर जो हमारी नेचुरल कॉन्टिन्यूटी है स्किन की, वो ब्रेक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे, ठीक है। कोई भी लेसन जो भी एक्सटर्नली और इंटरनली क्या हुआ है, कॉज हुआ है किसके द्वारा, वायलेंस के द्वारा, अब वहां पर चाहे हमारी स्किन की जो नेचुरल कॉन्टिन्यूटी है वो ब्रेक हो या ना हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, वुंड बोलेंगे, ठीक है। डिफरेंट टिश्यू हैव वेरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। हम जानते हैं गाइस कि हमारी बॉडी में बहुत टाइप के टिश्यूज होते हैं और हर एक टिश्यू की एक अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी। अब हम जान लेते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है, प्लास्टिसिटी क्या होता है एंड विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलास्टिसिटी की। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, टेंडेंसी टू स्ट्रेस्ड मटेरियल टू रिगेन इट्स अनस्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम इलास्टिक करते हैं, स्ट्रेस्ड करते हैं, और वो वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाती है, तब इस क्वालिटी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। अब बात आती है प्लास्टिसिटी की। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेस करते हैं और वो अपनी स्ट्रेस कंडीशन में ही रह जाती है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। कैसे, टेंडेंसी टू रिमेन इन स्ट्रेस्ड कंडीशन, ठीक है। जब किसी चीज को हम क्या करें, स्ट्रेस करें और वो स्ट्रेस कंडीशन में ही रह जाए, तब हम उसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। अब बात करते हैं गाइस विस्कोसिटी की, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप व्हेन स्ट्रेस्ड, ठीक है। जब हम किसी चीज को खींचे तो वो अपनी शेप में रहने के लिए क्या करे, रेजिस्ट करे, स्ट्रेस ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हर एक टिश्यू की अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जो कि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी और विस्कोसिटी होती है, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज आर ससेप्टिबल टू वेरिएबल लोड्स, और जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोड्स क्या कर सकते हैं, ससेप्टिबल कर सकते हैं, झेल सकते हैं, ठीक है। एंड हैव डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स, सो उनकी क्या होती है, डिफरेंट इलास्टिक लिमिट्स होती है, मतलब कि टॉलरेंस होती है, ठीक है। तो उनकी टॉलरेंस क्वालिटी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि टिश्यूज पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का टिश्यू है, ठीक है। व्हेन एनर्जी इज डिलीवर्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट्स ऑफ दीज टिश्यूज इंजरीज रिजल्ट, जब जो एनर्जी हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अगर हम उस टिश्यू पर अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होता है, इंजरी कॉज हो जाती है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज क्या कर सकते हैं, वेरिएबल लोड झेल सकते हैं, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट टॉलरेंस लिमिट होती है, जिसको हम इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। जब इस इलास्टिक लिमिट से ज्यादा उन पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर दिया जाता है, तब क्या होता है, उनकी टॉलरेंस पावर लिमिट जो है वो खत्म हो जाती है और इंजरी रिजल्ट हो जाती है, ठीक है। इंजरी क्या हो जाती है, कॉज हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड्स एंड इंजरीज। तो जो गाइस जो क्लासिफिकेशन है इंजरीज का, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर इंजरीज को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पोजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी, ठीक है। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन, ठीक है, कॉजेशन के बेस पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तब हम इंजरी को फोर टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज मैकेनिकल और फिजिकल इंजरी, जो कि किसी फिजिकल वायलेंस की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है।
सेकेंड वन इज थर्मल इंजरी, जो कि हीट या फिर कोल्ड की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। नंबर थर्ड आता है केमिकल इंजरी, जो कि केमिकल्स की वजह से कॉज होती है, ठीक है। एंड मिसलेनियस, जिसमें हमारी अदर टाइप्स की इंजरीज आ जाती हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अगर हम नेचर के बेस पर बात करते हैं, तो गाइस इसको हम फाइव टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वुंड एंड फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फेक्टेड वुंड, ठीक है। अगर हम नेचर के बेस पर इंजरीज को क्लासिफाई करते हैं, देन हम उसको फाइव टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस वुंड एंड फैब्रिकेटेड वुंड, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन के बेस पर, तो ये हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम। एंटीमोर्टम में क्या होता है कि वो बिफोर डेथ है और पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, ठीक है। तो बिफोर डेथ में भी वो दो टाइप से हो सकती है कि या तो वो जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो या फिर रिसेंटली उसको प्रोड्यूस हुई हो, ठीक है। और पोस्टमार्टम मतलब कि आफ्टर डेथ, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिवेरिटी, तो हम इंजरीज को दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज सिंपल इंजरी एंड सेकेंड वन इज ग्रीवियस इंजरी, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि कॉजेशन हो गया, नेचर हो गया, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन हो गया, सिवेरिटी हो गया, तो इस तरह से हम इंजरीज को डिफरेंट डिफरेंट क्लास में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन फर्स्ट वन इज हमारी आती है मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। क्या आती है हमारी, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। अब मैकेनिकल इंजरी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल वायलेंस, ठीक है। मैकेनिकल आल्सो नोन एज फिजिकल इंजरी, जो कि हमारी फिजिकल वायलेंस की वजह से क्या होती है, कॉज होती है। तो इससे मैकेनिकल इंजरी के अंदर जो हमारी इंजरीज हैं, उनको हम थ्री टाइप्स में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आता है हमारा ब्लंट फोर्स ट्रॉमा, सेकेंड वन आता है हमारा शार्प फोर्स ट्रॉमा एंड नेक्स्ट आता है हमारा अदर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा क्या होता है, ठीक है। तो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा इज कॉज्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट यूजुअली विदाउट अ शार्प और कटिंग एजेस इम्पैक्ट्स द बॉडी और द बॉडी इम्पैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा कब कॉज होता है, जब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी जो कटिंग एजेस है वो शार्प नहीं होती है, ठीक है, मतलब कि ब्लंट होती है। जब कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट बॉडी को इम्पैक्ट करता है या फिर बॉडी उस ब्लंट ऑब्जेक्ट को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, तब उस केस में जो इंजरी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। और इसके अंदर हमारी कौन कौन सी इंजरी आ जाती है, एब्रेशन, ब्रूइस और कंट्यूजन, लेसरेटेड वुंड एंड नेक्स्ट आ जाती है हमारी फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ऑफ बोन, टूथ और जॉइंट, ठीक है। एब्रेशन, ब्रूश और कंट्यूजन, लेसरेटेड वुंड या फिर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन, टूथ और जॉइंट, ये वो इंजरीज हैं जो कि ब्लंट फोर्स की वजह से क्या होती हैं, कॉज होती हैं, ब्लंट ऑब्जेक्ट्स की वजह से कॉज होती हैं, इसीलिए ये सारी हमारी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के अंडर कैटेगराइज हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है शार्प फोर्स ट्रॉमा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शार्प फोर्स ट्रॉमा होता क्या है। शार्प फोर्स ट्रॉमा अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट विद अ शार्प और शार्पन्ड एजेस इम्पैक्ट्स द बॉडी या फिर बॉडी इम्पैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। शार्प फोर्स ट्रॉमा क्या होते हैं, कब अकर होते हैं, जब कोई शार्प कटिंग एजेस वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, बॉडी को इम्पैक्ट करता है या बॉडी इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स पर क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, तब उस कंडीशन में जो इंजरी कॉज होती है वो होती है हमारी शार्प फोर्स ट्रॉमा। जैसे कि स्टैब वुंड हो गए और इंसाइज्ड वुंड हो गए, ठीक है। स्टैब वुंड और इंसाइज्ड वुंड वो टाइप की इंजरीज हैं जो कि शार्प फोर्सेस की वजह से, शार्प कटिंग एजेस की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, इसीलिए इनको हम शार्प फोर्स ट्रॉमा के अंदर क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। अब नेक्स्ट जो ब्लंट फोर्स में भी ना आए और शार्प फोर्स में भी ना आए, उसमें आ जाते हैं हमारे अदर्स, जैसे कि हमारा हो गया फायर आर्म वुंड्स, जो कि फायर आर्म्स की वजह से जो इंजरी कॉज होती है उनको हम कैटेगराइज करते हैं फायर आर्म वुंड्स के अंडर, ठीक है।
अब गाइज यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है कि जो सिवेरिटी होती है किसी भी इंजरी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके सरफेस एरिया के, ठीक है। सिवेरिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस इंजरी की जो सिवेरिटी है वो क्या होगी, कम होगी। अगर सरफेस एरिया क्या है, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो सिवेरिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। और अगर सरफेस एरिया क्या है, कम है, अगर सरफेस एरिया कम है तो उस इंजरी की जो सिवेरिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हमें याद रखनी है कि जो सिवेरिटी होती है किसी भी इंजरी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गाइस थर्मल इंजरीज की। थर्मल इंजरीज क्या होती हैं, ये हमारी दो टाइप से प्रोड्यूस होती हैं। या तो ये प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट, या फिर ये प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड, ठीक है। तो अगर हम बात करें ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट तो इसके हमारे दो तरह के इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला होता है हमारा जनरल इफेक्ट एंड सेकेंड वन होता है हमारा लोकल इफेक्ट। तो जनरल इफेक्ट के अंदर कौन कौन सी थर्मल इंजरीज आ जाती हैं, वो है हमारी हीट क्रैम्प्स एंड सेकेंड वन इज हीट स्ट्रोक्स, ठीक है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ हीट जो जनरल इफेक्ट कॉज होते हैं उनमें हमारी हीट क्रैम्प्स या फिर हीट स्ट्रोक्स वाली इंजरी आ जाती हैं। अगर हम बात करें लोकल इफेक्ट की तो वहां पर हमारे बर्न्स या फिर स्केल्स टाइप की क्या जाती हैं, इंजरी आ जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। कोल्ड की वजह से भी हमारी थर्मल इंजरीज क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और इसमें भी हमारे दो टाइप के इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि जनरल इफेक्ट ऑफ लोकल इफेक्ट, ठीक है। अगर हम जनरल इफेक्ट की बात करें तो उसमें हमारा हाइपोथर्मिया आ जाता है जो कि हमारे ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और अगर हम लोकल इफेक्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फुट इस टाइप की इंजरी से हमारे इसके अंडर कैटेगराइज हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केमिकल इंजरीज की जो कि केमिकल की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। तो इसमें भी हम इन्हें दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज इरिटेशन एंड सेकंड वन इज कोरोजन, ठीक है। तो इरिटेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ वीक एसिड्स एल्कली प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट, ठीक है। जो वीक एसिड्स एल्कली प्लांट और एनिमल एक्सट्रैक्ट की वजह से जो इंजरी कॉज होती है, जो केमिकल इंजरीज होती है वो क्या होता है, इरिटेशन, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस होता है, इरिटेशन। कोरोजन कब होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली। जब हम वीक की जगह पर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एल्कली को यूज कर लेते हैं तब उस टाइप में जो इंजरी कॉज होती है वो होती है कोरोजन इंजरीज। और ये इरिटेशन और कोरोजन दोनों ही हमारी केमिकल इंजरीज के अंडर कैटेगराइज हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करें तो हमारी आती है मिसलेनियस इंजरीज, जिसमें हमारी क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक इंजरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रोड्यूस होती है। सेकंड आ जाती है हमारी रेडिएशन इंजरीज जो कि हमारी रेडिएशंस की वजह से कॉज होती है, जैसे कि हमारी एक्सरेज हो गई, यूवी रेज हो गई। कौन कौन सी रेज हो गई, एक्सरेज हो गई, है ना, यूवी रेज हो गई, या फिर हमारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो गए। इनकी वजह से जो इंजरीज कॉज होगी वो हमारी कहाँ कैटेगराइज हो जाएगी, रेडिएशन इंजरी के अंडर। नेक्स्ट वन आती है हमारी लाइटिंग इंजरीज जो लाइट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्लास्ट इंजरीज जो कि ब्लास्ट की वजह से कॉज होती हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।